हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीसीपी। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मेरा बेडरूम मेकओवर, एंड हाँ, मैंने हेडबोर्ड कैसे स्टिच किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, अब विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रूम को हमने बेडरूम में कन्वर्ट किया था। साइड में आप एक डोर देख रहे हैं जो बाहर की तरफ जाता था, तो इसे हमने ब्लॉक करा दिया क्योंकि इस पूरे डोर में दीमक लगे हुए थे, तो हमने यहाँ पे सीमेंटेड वॉल उठवा दी है। उसके बाद जो ये स्विच बोर्ड है, ये काफ़ी सेंटर में हो रहा था तो हमें चाहिए था दोनों साइड में एक्सटेंशन। तो इसके लिए भी हमने क्या किया कि जो स्विच बोर्ड था वो निकलवा के उसके जो वायरिंग्स थी उनको हमने बेड के दोनों साइड में नीचे की तरफ करवा दिया। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो गई। जो थोड़ा सा बच गया था उसे मैंने आगे जाके कवर कर दिया है, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो अब सबसे पहले मुझे एक वॉल डेकोर बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये कुछ पैनल्स लिए हैं। ये मैं बंजारा मार्केट से लाई थी, आई थिंक 400 या 500 में 3 पीसेस लाई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। आप इसका फुल डिटेल देख सकते हैं मेरे बंजारा शॉपिंग हॉल में। तो अब हम इसे करेंगे सबसे पहले पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, वाइट एक्रेलिक कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मैंने मिक्स किया है। जो भी डिज़ायर्ड कलर आपको चाहिए आप यहाँ पर ले लीजिए एंड फटाफट से इसे पेंट कर लीजिए। तो आप इसकी जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप अपनी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, कोट्स यूज़ कर सकते हैं, सीनिक पिक्चर्स जो होती हैं, या फिर वो पेंटिंग्स वगैरह का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है इसे पेंट। अब नेक्स्ट मुझे इसके पीछे एक पैनल लगानी है। तो इन तीनों बोर्ड्स के साथ मुझे एक ही पैनल मिली थी, तो मैंने सोचा कि उसे मैं सेंटर वाले में यूज़ करूँगी। तो इसको भी मैंने आइवरी कलर के चॉक पेंट से पेंट कर लिया है एंड अब हम इसे यहाँ पे लगाने वाले हैं। बट उसके पहले मैंने यहाँ पे ये बैटरी ऑपरेटेड जो बॉटल फेरी लाइट आती है इसका यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा हैक था, यहाँ पे मेरे पास थी ऑलरेडी, तो मैंने उसे यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प से कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है एंड उसके बाद पैनल की हेल्प से इसे कवर कर दिया है। हाँ, क्योंकि ये जो बॉटल लाइट का जो कॉर्क है ये विजिबल है साइड से, तो इसकी जगह पे एक और लाइट आती है फेरी लाइट, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैक पैनल थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप एंड मास्किंग टेप का यूज़ किया है इसे स्टिक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक ही पैनल में ये लाइट लगाई है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिमिलर पैनल है तो आप तीनों में लाइट लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस लाइट की जगह पे आप इस लाइट का यूज़ करें, ये बहुत ही स्लिम है, ये बहुत विजिबल नहीं होगा, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट क्योंकि मैंने उसे स्टिक कर दिया था एंड ये मेरे पास बाद में डिलीवर हुआ है, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं वो सारी चीज़ें रीसेट करूं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं एक टेबल लैम्प। तो टेबल लैम्प बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक बैम्बू मैट ले लिया है। ये मैंने लाया है यहाँ के विशाल मार्ट से, मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था, सेल में था 29 रुपीज़ या 25 रुपीज़ में। एंड ये ट्रिवेट है, ये भी मुझे मिल गया था सिर्फ 29 रुपीज़ में। ये मैंने काफ़ी पहले लिया है, ये यहाँ से नहीं लिया था। इसकी जगह पर आप कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने दोनों के साइड में लगा के देखा ये मैट, तो मुझे लगा कि टेबल मैट थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जा रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये MDF का कोस्टर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये होल्डर यूज़ किया है क्योंकि इसको एक बेस है, तो आप अच्छे से इसे इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ऐसा ही होल्डर आपको बहुत ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाएगा, तो उसे आप यूज़ करिए। उसके बाद एक कोई भी प्लग वाली वायर या फिर नॉर्मल वायर में अलग से आप प्लग को अटैच कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है जो इसका सेंटर है, और सीज़र की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसमें होल कर लिया है। होल करने के बाद आपको वायर को पीछे की तरफ से इंसर्ट करना है एंड अपने होल्डर को वायर से अटैच करने के बाद इसे बेस के साथ स्टिक कर देना है, सो दैट कि आपका होल्डर है वो मूव ना करे। बाद में मैंने ये वायर चेंज कर दी थी क्योंकि ये वायर थोड़ा सा ख़राब था। एंड लेग्स के लिए मैंने यहाँ पे ये वुडन बीड्स यूज़ किए हैं, ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास ये सारी चीज़ें, तो उन्हें ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बेस हमारा हो गया है रेडी। अब साइड में मैंने अपने इस मैट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो मैट को मैंने कट करने का सोचा था, बट फिर मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में मैं इसे रीयूज़ कर सकूँ, इसलिए मैंने पूरी मैट को यहाँ पे स्टिक कर दिया है।
कट करके मैं मैट को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं इसे एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ हेडबोर्ड। तो हेडबोर्ड का मेज़रमेंट आप ले लीजिए, लाइक जो भी आपका जो बेड है, बेड की विड्थ आपको चेक करनी है एंड मार्जिन छोड़ना है आपको कम से कम 2 इंच का, सो दैट कि अगर बड़ा हो जाएगा तो आप बाद में उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसे छोटा कर सकते हैं, बट अगर छोटा हो जाएगा तो फिर आप उसे बड़ा नहीं कर पाएंगे, आपको पैचेस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर लिया है इक्वली एंड 6 पार्टीशंस यहाँ पे हुए हैं एंड टोटल जो भी मेरे डायमेंशंस थे उन सबको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया है। तो हर बेड का साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप इस साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल ना बनाएं, आप अपने बेड के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएं। फैब्रिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एक कर्टन। तो कर्टन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो फैब्रिक होती है काफ़ी थिक होती है एंड काफ़ी क्लासी लुक देता है ये, तो इसके लिए मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे सिर्फ 500 रुपये में मिली है विशाल मेगा मार्ट से। आप ऑनलाइन भी ऐसे सिमिलर कर्टन्स ढूंढ सकते हैं, मैं देखूंगी मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब क्योंकि मुझे कर्टन्स के साइड की स्टिचिंग को थोड़ा ओपन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे मेरे मशीन के साथ ही फ्री मिला था, बट आपको ये थ्रेड वगैरह के शॉप में सिर्फ 10 रुपये हमें ईजिली मिल जाती है, बिल्कुल भी प्राइसी नहीं है एंड इससे थ्रेड कटना बहुत ही आसान है। हम अगर सीजर या ब्लेड से कट करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाता है, बट ये काफ़ी ईजी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। सिर्फ 10 रुपये की चीज़ है, आप इसे पक्का से ट्राई करिएगा। तो जब मैंने कर्टन का यहाँ पे मेज़रमेंट लिया तो मुझे ऐसा लगा कि लेंथ वाइज कम पड़ रही है मुझे। अब क्योंकि मैं एक ही कर्टन लेके आई थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसका पैटर्न था इसको मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, तो मैंने देखा कि ये जो इसका वर्टिकल डिज़ाइन है ये मुझे चाहिए था। अगर मैं कर्टन को ऐसे हॉरिजॉन्टली यूज़ करती तो जो प्रिंट था वो टेढ़ा जाता, तो इसके लिए मैंने कर्टन को 2 पीसेज में कट किया एंड उन्हें साइड बाई साइड स्टिच किया है। बैक पैनल के लिए मैं यूज़ करी हूँ एक नॉर्मल फैब्रिक, ये भी मेरे पास था, मैंने देहरादून में परचेज़ किया था एंड उसके बाद जो ये कर्टन रिंग्स हैं इनका भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 कर्टन रिंग्स को मैं कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी एंड इन्हें मैं अच्छे से स्टिच करके चारों तरफ से सील कर दूँगी सो दैट कि इनके थ्रेड्स नहीं निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पैचेस हमारे रेडी हो गए हैं, इन्हें साइड से कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है एंड इसे स्टिच कर लेना है। बेसिकली जो मेरा हेडबोर्ड है उसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे ये 2 हुक्स बना रही हूँ। तो अब इन दोनों कर्टन रिंग्स को स्टिच करने के बाद जो वाइट फैब्रिक हमने लिया था उसके पीछे हम सबसे पहले इसे स्टिच कर देंगे दोनों कॉर्नर्स में। जहाँ पे भी आपको इसे लगाना है तो आप एक बार ध्यान दे लीजिए कि बहुत ज़्यादा साइड में आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको आई गेस 4-5 इंच ऊपर एंड साइड से आपको छोड़ना है एंड इसे स्टिच कर लेना है अच्छे से। उसके बाद दोनों पैनल्स को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे रिवर्स कर लेंगे, लाइक अब जैसा हमें सामने से रखना है वैसा रखने के बाद हम पीछे की तरफ 5 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप स्केल की हेल्प से उसे ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो सही नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको बस स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके ऊपर आपको मशीन चलाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो अब मैं इसकी समरी देती हूँ। आपके जो बेड का विड्थ है उस साइज़ के 2 पैनल्स आपको लेने हैं विथ एक्स्ट्रा मार्जिन एंड उन्हें आपस में स्टिच कर लेना है। पीछे हैंग करने के लिए 2 कर्टन हुक्स मैंने लगाए हैं, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं लाइक फैब्रिक वगैरह। एंड उसके बाद अंदर की तरफ जितने भी पिलोज़ आपको लगाने हैं, आपके जो पिलोज़ की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है सो दैट कि वो पार्टीशंस हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से पिलोज इसके अंदर स्टफ कर देंगे। तो पिलोज को अंदर स्टफ करने के बाद अब काम बच जाता है नीचे का हिस्सा जो है उसे बंद करना। तो आप यहाँ पे चेन का यूज़ कर सकते हैं, आप डोरी का यूज़ कर सकते हैं, आप जो बटन्स वगैरह आती हैं वेलक्रो आती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हाथ से स्टिचिंग की है क्योंकि मशीन अब इसके ऊपर मैं चला नहीं पाती, तो इसके लिए मैंने हैंड से ही इसे स्टिच किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक रनर। तो रनर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 99 रुपीज़ के 2 मैट्स लाए हैं एंड इन्हें मैं आपस में स्टिच कर दूँगी एंड सिर्फ 200 रुपये में मेरा बेड साइड रनर रेडी हो जाएगा।
तो इसे मैंने हाथ से ही स्टिच किया है क्योंकि इसके ऊपर मशीन नहीं चल रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर मशीन बहुत अच्छे से नहीं चलता है, तो आपको हाथ से ही थोड़ी सिलाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही इसे पूरा स्टिच कर लिया। बहुत ज़्यादा कुछ स्टिच तो करना नहीं था क्योंकि मुझे लॉन्ग रखना था इसके लिए। तो सारे DIYs हो गए हैं, अब चलते हैं मेकओवर की तरफ। तो यहाँ पे ये एक वुडन अलमीरा है, आप देख सकते हैं, एक्चुअली वुडन नहीं है, अंदर की तरफ सीमेंटेड ही है बट बाहर एक पैनल लगी हुई है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की हैंडल्स थी, उनको रिमूव करवा के मैंने एक अच्छी मार्केट से परचेज करके हैंडल यहाँ पे लगवा लिया है। एंड क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी गंदा लग रहा है ये, एंड साइड में आप देख रहे हैं कि नया पेंट हुआ है ये घर, एंड ये हालत है इसकी कि चीज़ें झड़ रही हैं। तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा फिक्स किया जाए, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा वॉल पुट्टी ले लिया है, एंड जो ये पैचेस वगैरह दिख रहे हैं इन्हें मैं कवर कर दूंगी। ये वॉल पुट्टी बड़े काम की चीज़ है, सिर्फ 30 रुपये की पैकेट आती है एंड बहुत सारे काम आपके यूं चुटकियों में कर देती है। लाइक आपको छोटे मोटे होल्स वगैरह फिल करने हो, आपको कोई DIY करना हो, कोई क्ले आर्ट करना हो, लिपन आर्ट करना हो, तो ये बहुत जगह पे काम आता है। तो आपको हमेशा एक पैकेट तो रखना ही चाहिए घर में कि यू नेवर नो कि कब ये काम आ जाए। तो इसके लिए तो काफ़ी गैप्स थे, क्रैक्स थे, तो उन सब को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इनके ड्राई हो जाने के बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पे सैंडिंग कर लूँगी। कैबिनेट के ऊपर भी आपने देखा था कि काफ़ी होल्स थे, तो मैंने यही वॉल पुट्टी भर दिया है यहाँ पे भी, एंड थोड़ी सी सैंडिंग करके सरफेस को मैंने स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पे स्टिक करना है हमें वॉलपेपर, तो उसके लिए हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डस्ट है उसे हम वाइप आउट कर लेंगे, एंड उसके बाद हैंडल्स को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। कारपेंटर भैया आए थे तो मैंने पहले ही हैंडल लगवा लिया था कि बाद में इसे खोलना आसान है बट पूरी तरीके से हैंडल को लगाना एक टास्क हो जाता। तो इसके लिए अब यहाँ पे ये वुडन प्रिंट का वॉलपेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इससे मैं अपने पूरे अलमीरा को कवर कर दूँगी। तो ये मेरा अलमीरा नहीं है, ये नितिन का है, एंड मैंने जो दूसरा रूम है उसके अलमीरा को हथिया लिया है, एंड उसके साथ मुझे एक और मेटल वाली जो अलमीरा होती है वो भी मिला है, तो मेरी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो अब वॉलपेपर लगा लेने के बाद हम हैंडल्स को वापस से सेट कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब नेक्स्ट डे मैंने फर्निशिंग्स वगैरह की हैं, तो इसके लिए मैं अपने वे पुराने कर्टेंस यूज़ करी। पीछे जो आप ब्राउन देख रहे हैं ये ब्लैकआउट कर्टेंस मैं गुड़गांव से लाई थी, एंड ये जो फ्लोरल प्रिंट के कर्टेंस हैं इसमें थोड़े से शेड्स का डिफरेंस है क्योंकि एक सेट मेरा पहले का था एंड एक सेट मैंने बाद में मंगवाया है, तो लाइट एंड डार्क आ गया है, बट कोई नहीं, मैंने उसको ही मिक्स एंड मैच करके कुछ इस तरीके से लगा दिया है। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आती है तो इसके लिए हमने ब्लैकआउट कर्टेन का यूज़ किया है, एंड थोड़ा सा सिमिलर कलर का मैंने बेडशीट भी यहाँ पे यूज़ किया है। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था, इसका ब्रांड है अमेज़ॉन सोल्यूमो, एंड ये बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे अपना हेडबोर्ड, तो हेडबोर्ड को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है, एंड पीछे की तरफ एक छोटा सा नेल लगाया है जिसके ऊपर मैंने इसे यहाँ पे हैंग कर दिया। तो देखिए कितना इजी था इसे यहाँ पे लगाना, आप चाहें तो यहाँ पे वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुशन कवर मैंने लास्ट ईयर DIY किया था, एंड देखिए कितनी ईजिली मैंने यहाँ पे अपने बेडरूम को डेकोरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं भरी हैं, बहुत ही हल्का सा सूदिंग सा मैंने रखा है। मेरे बेड के साइड में मैंने अपनी ये छोटी सी एक पिटारा रखती हूँ जिसमें मेरे सारे वो बाम वगैरह मैं रखती हूँ, एंड थोड़े मेडिसिंस वगैरह होते हैं जो हेडेक के हो गए, लूज़ मोशन वगैरह के हो गए, एंड नितिन का साइड मैंने बिल्कुल हल्का रखा है। यहाँ पे जो भी छोटी मोटी एसेंशियल्स हैं उनको इस एक बास्केट में रखा है मैंने, एंड नीचे का शेल्फ मैंने खाली रखा है। अब बच गया ये साइड में एक ट्रंक, क्योंकि अब ट्रंक है हमारे पास एंड स्टोरेज भी है, तो उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वही सिमिलर प्रिंट वाला कर्टन लगाया है, एंड एक छोटा सा कैनोपी मैं बना रही हूँ। ये कर्टन्स मैंने बनवाए थे, लाइक मैंने खुद ही स्टिच किए थे, दुपट्टे का फैब्रिक लेके उसे डाई करवाया था, एंड उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ एज अ कैनोपी। एंड ये एक लखनवी दुपट्टा था मेरे पास, मम्मी ने दिया था, तो इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सारे फैमिली कलर्स हो जा रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जा रहे थे, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे यूज़ किया है एज अ कवर।
तो देखिए एक छोटा सा कैनोपी भी मैंने फटाफट से रेडी कर लिया। तो इन कैनोपीज़ को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दुपट्टे हैं तो उनसे भी आप बना सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये घर कैसा था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आप एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये एक छोटा सा समर बेडरूम मेकओवर अच्छा लगा हो। इफ़ यस, do let me know in a comment section below and don't forget to like, share and subscribe my channel. तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.